आज हम आपको सिखाएंगे डायनामिक डिस्क को बेसिक डिस्क कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये हमने विंडोज 7 की डी डाल के उसको बूट कर दिया है। अभी ये बूटिंग मोड पे है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो यहाँ पे ड्राइवर की ऑप्शन है और नेक्स्ट की ऑप्शन है वो हाईलाइट नहीं होगी, उस पर हम क्लिक नहीं कर सकते। तो अब हमें, क्योंकि ये डिस्क है जो डायनामिक है, तो अब हम इसको बेसिक में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि ड्राइवर ऑप्शन को भी ये नहीं ले रहा, ले तो लेगा पर यहाँ पे न्यू फॉर्मेट डिलीट एक्सपेंड की जो ऑप्शंस हैं वो नहीं दिखाएगा। अगर हम यहाँ पे नीचे एरर को देखें तो यहाँ पे आएगा विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू डिस्क जीरो पार्टीशन। जो एरर आएगा वो आएगा विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड टू दिस हार्ड डिस्क स्पेस, द पार्टीशन कंटेन्स वन और मोर डायनामिक वॉल्यूम्स दैट आर नॉट सपोर्टेड फॉर द इंस्टॉलेशन। हम इसको ओके कर देंगे। अब हम इसको क्लोज करेंगे। यस, अब हम दोबारे सीडी को बूट किया है। अब विंडोज लोड कर रही है फाइल्स। स्टार्ट हो चुकी है।
यहाँ पे नेक्स्ट रिपेयर योर कंप्यूटर पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे और आगे हमें कई सारी ऑप्शन आएंगे। तो हम यूज़ रिकवरी टूल्स दैट कैन हेल्प फिक्स प्रॉब्लम स्टार्टिंग विंडो, उसको सिलेक्ट करेंगे। और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पे हम देख चुके हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट आ गया है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क पार्ट, DISKPART पार्ट, और एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपने डिस्क को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, ये देखिए यहाँ पे डिस्क पार्ट लिखा आ चुका है। यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्क और उस डिस्क की जो वॉल्यूम है, जैसे हमारे पास अभी है 0, और उसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम देख चुके हैं कि हमारी जो डिस्क है वो सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे लिखेंगे SELECT स्पेस DISK स्पेस 0, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए डिस्क इज नाउ द डिस्क 0 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क और नीचे डिस्क पार्ट आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कन्वर्ट बेसिक CONVERT स्पेस बेसिक BASIC और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास मैसेज आ चुका है डिस्क पार्ट सक्सेसफुली कन्वर्टेड द सिलेक्टेड डिस्क टू द बेसिक फॉर्मेट, और यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। फिर से एग्जिट लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को एग्जिट करने के लिए और सिस्टम को रीस्टार्ट कर देंगे। अब हम देखेंगे कि हमारी जो विंडो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो बेसिक में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारी डायनेमिक में विंडोज़ इंस्टॉल नहीं कर होती। यहाँ पे विंडोज़ हमने दोबारा से बूट की है। यहाँ पे विंडोज़ लोड कर रही है फाइल्स धीरज रखे। यहाँ पे अगर आप सोना चाहें तो सो भी सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इंस्टॉल नाउ। अब हम देखेंगे कि जो न्यू और नेक्स्ट का बटन्स हैं वो सभी हाईलाइट हो चुके होंगे। उनको हम सेलेक्ट कर सकेंगे, न्यू ड्राइव बना सकेंगे, उनकी पार्टीशन कर सकेंगे। एग्रीमेंट को ओके यस, यहाँ पे कस्टम। और अब हम देख सकते हैं कि जो नेक्स्ट का बटन है वो हमारा दिखने लग गया है, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। और जो ड्राइवर ऑप्शन है उसमें भी न्यू के जो सभी फॉर्मेट के बटन है वो शो होने लगे हैं, मतलब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें विंडोज़ इसकी पार्टीशन करेंगे, ये देखिए अब पार्टीशन होने लगी है इसकी। हम विंडोज़ के लिए
ठीक है, हमने पार्टीशन बना लिए हैं। अब हम डिस्क जीरो में विंडोज़ को, यहाँ पे हम विंडोज़ को इंस्टॉल कर देंगे। अब विंडोज़ ये देखिए इंस्टॉल होने लगी है। थैंक यू वेरी मच।